नमस्कार, मैं टीना राठौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं जीवन दर्पण में। सोच, कुछ करने का जुनून, सफलता और उस सफलता पर कायम रहने का संघर्ष। जी बिल्कुल, कुछ कलाकार उम्र के मोहताज नहीं है, आप लोग सभी समझ ही गए होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम किया है और आज भी अपना मुकाम बनाए रखे हुए हैं। हम सभी स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में कालू राम जी प्रजापति जी का। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत है। सभी दर्शकों ने कालू राम प्रजापति रा गणान गणा राम राम। शुक्रिया। सबसे पहले सर, आप अपने परिवार के बारे में, आपका जन्म स्थान, उन सब के बारे में बताइएगा। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ और मैं 18 रहा। पिताजी बचपन में गुजर गया, माताजी बहुत हरजस्त, बहुत बढ़िया गावती, उनसे मैंने प्रेरणा मिली और मैं गाना शुरू करिया। जी, तो गाने के लिए क्या आपके घर में गायकी का माहौल था या नहीं? आपने... कोई माहौल नहीं था। हमारे प्रजापतियों में सबसे पहला मैं आर्टिस्ट हूँ जो ये गाने में शरीक हुआ। जी जी बिल्कुल, हमने भी देखा, आप बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं। सर, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 लड़कियां हैं और 4 पोते हैं, 2 पड़पोतियां हैं, 1 पड़पोता है। जी, आपके बाद आपके परिवार से गायकी में कोई नहीं है? मेरे एक लड़का जी हेमंत कुमार, वो डिट्टो मेरे जैसे गाता है। जी जी, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करता है। जी, आपने कभी कोशिश नहीं करी उन्हें अपने नहीं, साथ? एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ रहा, गाता था, डांस भी करता था। एक फिल्म में हीरो था वो। जी, छेल छबीली छोरी फिल्म आई थी, उसमें हीरो था वो। अच्छा जी, बहुत खूब। सर, आप इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने कलाकार हैं, आपने बहुत सारा काम किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की है आज तक, अभी तक? उपलब्धियाँ तो मैंने बहुत हासिल की है, कलाश्री, कला शिरोमणि, ये अपने मारवाड़ रतन, जोधपुर गौरव, कम से कम 29 उपाधियाँ हैं और अवार्ड भी मेरे बहुत मिले। जी, मेरे जो अवार्ड शायद किसी कलाकार को मिले हूँ। जी, वो क्या आपको वो दिन या वो पल याद है जब आपको ये लगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और मैं अब गा सकता हूँ और आपने गायकी की तब से शुरुआत करी? ऐसा है, जब हम पढ़ते थे तो जब कार्यक्रम होता था ना, तो हम सब देख रहे थे। जी, देखते देखते क्या हुआ कि कोई किसी ने गलती की डांस करने में। जी, तो मेरे को हंसी आ गई। जी, हंसी आते ही टीचर ने कहा इधर आओ, इसकी जगह तुम डांस करोगे। जी, वहाँ से मेरी सुर, आज हमारे बगरे जी गौड़ साहब थे, उन्होंने इस लाइन में मुझे, मैं शुरू से गाता ही बढ़िया था। जी जी, और डांस भी अच्छा। जी, अच्छा, तो आपकी शुरुआत एक चैलेंज जिसे कह सकते हैं, चैलेंज से हुई कि आपको, आप ये कर सकते हो तो करो। आपने सोचा नहीं था कभी कि मुझे गायक बनना है या मुझे लोक कलाकार बनना है? नहीं, ये तो मेरी इच्छा थी। जी, इसमें मैं लगा रहा। जी, मुझे लोकगीत इतने याद हैं, इतने मैंने सुधार किए हैं और लोकगीतों के बारे में बहुत जानकारी है मुझे। जी, मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो ऑडिशन जयपुर में हुआ करता था, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। वहाँ पहले तानपुरा में गाया करते थे, तो मैंने झगड़ा करके हारमोनियम लिया। जी, और सबसे पहले हारमोनियम में इंटरवल म्यूजिक मैंने शुरू किया। जी जी, अब इंटरवल म्यूजिक बजाने लगे, पहले बस ही बजाते थे। जी जी, बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है लोक गायकी का, लोक गीतों का, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सर, मैं, मेरे पास जोधपुर में टेप रिकॉर्डर किसी के पास नहीं था, दो के पास था। मेरे पास छोटा ग्राउंडिंग था, मैं वो लेकर के गांव गांव घूमता था। जी, और देहाती गीत वगैरह ये सुनता और उनको रिकॉर्ड करता, फिर सुनता। जी, अधूरा होता तो उसको पूरा करता। जी, और उससे मैंने कहा ये तो बहुत लोक संस्कृति बहुत बढ़िया है, इसमें मैं अपना आपको डूबना चाहता हूँ, और इसमें मेहनत की। जी, आपको अगर किन्हीं एक आदमी का नाम लिया जाए तो इस इंडस्ट्री में लाने का पहला श्रेय किन्हें जाता है? पहला श्रेय तो जब वार का टाइम था ना, चाइना का टाइम था, तभी मैंने गीत लिखे और चाइना के
उस दरमियान मैंने खूब ओजस्वी गीत लिखे और गाए जी। फिर 65 में गाए तो उस दरमियान क्या फिर किसने कहा आकाशवाणी क्यों नहीं जाते हो, तो उसी वक्त वहाँ से फॉर्म भरा जी। और आकाशवाणी पे ऑडिशन हुआ, मैं पास हो गया जी। और वहाँ से गाना शुरू किया जी जी। फिर ये स्टेशन यहाँ जोधपुर खुल गया तो क्षेत्र के हिसाब से इधर शिफ्ट कर दिया हमको जी जी। बहुत खूबसूरत। और प्रोग्राम का जो है सिलसिला मैंने 1970 से ही किया था जी। सबसे पहला प्रोग्राम मैंने गोडवाड़ में किया था जी, 3-4 जगह। फिर आहोर में किया, आप यकीन मानोगे आहोर में 225 रुपए में माइक समेत 15 कलाकार थे हम। ओ उस वक्त कलाकारों के रेट 1 रुपया 2 रुपया ऐसे थे जी। और सब नामचीन डिवीजन के कलाकार साथ थे मेरे जी। बहुत बढ़िया सर। पहले तो मोबाइल वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था, मोबाइल तो आपको प्रोग्राम कैसे मिलते थे, आप कैसे डील करते थे? घर आते थे लोग। अच्छा, डायरेक्ट पता हाँ, करके कि पता करके जी घर आते थे और वहाँ से प्रोग्राम बुक करके जाते थे। बहुत बढ़िया सर। अब तक आपने जितना भी काम किया है, आपको वो कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना आपको सबसे सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा रहा हो, कि ये वो लोग हैं जो सच में मेरे हैं और इनके साथ काम करने में मुझे सच में खुशी होती है? मैंने सबके साथ काम किया है जी बिल्कुल। और सबसे मेरा मुझे प्यार मिला जी, सबसे प्रोत्साहन मिला जी, और मैं आगे बढ़ता गया जी। सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है, अभी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, जो सीख के गा रहे हैं वो कलाकार है वास्तव में, बट बहुत सारे नए नए सिंगर्स आए हैं सीख कर, जो एकदम से ही आए और गाने लग गए। कहीं आपको ऐसा मलाल नहीं होता कि लोक गायकी पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई है, या लोक गायकी का आज की तारीख में जिसे रिमिक्स बोलते हैं प्रारूप बदल गया है, तो वो आपको मन में कभी नहीं लगता ऐसा? इस तरीके एक बार आपने देखा होगा वो भुंगड़ी में गाने चले थे, तो मुझे कहा था कि आप ही गाओ, आप धीरे गाते हो, इसमें बहुत अच्छा गाओगे। मैं कहा नहीं जी, इसकी उम्र नहीं है जी, लंबी देर का घोड़ा नहीं है जी। इसी तरह से पहले हमारे राजस्थानी कार्यक्रम ही होते थे, जैनियों के कार्यक्रम भी मैं ही करता था राजस्थानी कार्यक्रम जी। फिर ये पीछे बच्चे तैयार हो गए, जैन भजन गाने लगे, होता होता करता गया, लेकिन सबसे पहले राजस्थानी कार्यक्रम हमारे बहुत होते थे। मेरा सारे राजस्थान के अलावा पूरा इंडिया में मेरी नाइट होती थी, करोड़ों प्रजापति नाइट, टिकट लगते थे 500-1000 जी जी। तो बाद में ये जो नए नए आते ना, इनको राजस्थान का ज्ञान तो था नहीं जी, सारे भजनों में घुस गए जी, और भजनों का कार्यक्रम ऐसा चला कि सारा माहौल चेंज कर दिया, राजस्थानी संस्कृति खत्म हो रही है जी। भजन तो शायद एक बहुत अच्छी बात है, भजन अलग चीज है। हम अपने इस लोक गायन में हम अभी भजन को शामिल नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं लोक गायन में। बहुत सारे नए सिंगर्स भी है जो लोक गायकी कर रहे हैं अभी, उनके बारे में बात करते हैं सर हम। एक आपकी एक पहचान थी एक अलग लोक गायकी की, और आज वो प्रारूप बदल गया। जैसे अगर हम पुराने केसरिया बालम को अगर उठाते हैं, वो एक लोक गायन जो है, और आज केसरिया बालम के बहुत अलग अलग तरीके के प्रारूप बदल गए हैं, उसे देखकर आपको क्या लगता है? आज का क्या कि एक तो म्यूजिक सेक्शन जो ऑर्केस्ट्रा है वो चेंज हो गया जी, उनके ऊपर वो गा नहीं सकते जी। आज भी देखो लंगा अपने हिसाब से गाते हैं, कालबेली अपने हिसाब से जी। तो जो नए नए सिंगर हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है जी। एक तो किसी को हर आदमी को बाजा बजाना आता नहीं, वो ऑर्गन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो मेहनत नहीं करते हैं जी, इसलिए उनको गायकी का वो होता नहीं है और नॉलेज भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात जी जी बिल्कुल। सर हम मिले हैं, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका एक सबसे खूबसूरत आपका गाना है ब्याह बिंदणी बिल्कुल में, हाँ। उसकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हमारा अपना वो बहुत पसंदीदा गाना रहा है और हमने खुद ने स्कूल में उस पर बहुत डांस किया है। अच्छा, अच्छा। तो वो गाना सुन के मतलब सीरियसली अभी भी हमें ऐसा हो रहा है कि एक वो अंदर से बहुत अच्छी सी फील आती है, हाँ। तो उसकी सोच कहाँ से आई उस गाने की आपके दिमाग में? ऐसा हम यार दोस्त बैठे थे जी, तो क्या शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, मैंने कहा ऐसा एक गीत लिखा जाए, तो फिर मैंने उसके ऊपर एक गीत लिखा, ये कौन सा बढ़िया जी। वो 1970 में ये गीत लिखा जी, और अब तक चल रहा है जी।
फिर क्यों अभी अभी क्यों कहा कि मुझे लड़कियों पर क्यों लिखते हो आप जी? तो मैंने लड़के पे लिख दिया। अच्छा, बताऊं आपको जी। कद के होगी ब्याव जोग में कद परना सी मावड़ली, संग सहेलिया सगले परनी रही कमारी डावड़ली, हर सावे पर बाटा जो अब की बारी आवेला, कोई जीवन साथी आने डोली में ले जावेला, मारे मन री मन में रहेगी कदला गैला जातड़ली, संग सहेलिया सगली परणी रही कुंवारी डावड़ली। अंतिम दिया जी। माँ गबर जा पगलिया पूजू अब कैसा वे परणा दे, काड़ो गोरो कोई मिले तू मारा फेरा करवा दे, अब की तीज न खाली जावे बैठी जो बाटड़ली, संग सहेलिया सगली परणी रही कुंवारी। पूरा गाना है, रिकॉर्ड करूंगा। जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। हम दुआ करेंगे कि जैसे आपका टाबरियो फेमस हाँ। हुआ, वैसे ही ये और ज्यादा फेमस हो हाँ। और सफलता मिले इस गाने को। इसके साथ हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, किताबें भी लिखी है। हाँ, मेरी किताबें चलती है जी। तो गायकी के अलावा ये जो लेखन की जो रुचि रही आपकी, ये कैसे आई? ये शुरू से, मैंने सन 5-6 में पढ़ता था, मैंने कविता लिखी थी जी। शनिवार की सभा होती थी, गाने होते थे ना पहले जी। उसमें हर बार मैं ही फर्स्ट आता था जी जी। तो हमारे एक अध्यापक जी थे, वो कुछ शब्द दिए कि इनके ऊपर कविता लिख के लाओ जी। तो मैंने लिख के ले गया, बहुत पुरानी बात है। मैंने लिखा, मैं जब बाप गए मुंह मोड़, हमें यहाँ छोड़ो बापू प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। कविता लिखी मैंने। तो मास्टर जी एकदम, ये आप तुमने लिखा? मैं कहा हाँ। अरे वाह। तो फिर दूसरे दिन और वो जी शब्द दिए, ऐसे ऐसे करते करते मैंने लिखने का जी और किताबें लिखी। कोई भी गलती होती है तो टीचर से कंफर्म कर लेता जी। जी बहुत बढ़िया। किताबें मेरी देखो, रण घोष, रणभेरी जी, कमल की पंखुड़ियाँ, बोल तंबूरे वायदे और कुंवारा टाबरियो जी, ये किताबें खूब बिकी और चल रही है जी। अभी तो कई लोग फर्जी छाप रहे हैं मेरी किताबें नाम से। मैंने कहा केस करो, केस करो, क्या करें, पैसे नहीं आएंगे जी। छापने दो जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो हमारा साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जलन कह दो उन्हें या कुछ भी, खुन्नस कह दो अपने मन की जो भी है। क्या आपको भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा था इतने लंबे समय में काम करने के दौरान? ये आर्ट गॉड गिफ्ट होती है जी। लाख खींचो, खींच नहीं सकते जी। आर्टिस्ट छुपा नहीं रहेगा, आप कितने दबा दो, कितने उसका बॉयकॉट करो, कुछ भी करो, वो तो फूट के बाहर आएगा जी। जी इसलिए खींचा था, मैं मेहनत करता नहीं है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहला कोई चीज मिलनी नहीं है जी। उसने कहा मेरा प्रोग्राम ले लिया, और तेरा था ही नहीं भाई जी। जहाँ अंजल कहाँ लिखा है वहाँ आपको जाना पड़ेगा जी। जी बहुत खूबसूरत बात कही आपने जी। जब हम एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो कहीं कुछ न कुछ नोकझोंक, कुछ विवाद हो ही जाते हैं। क्या कभी इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में कभी किसी से आपका कोई विवाद हुआ है, या आपको लगा हो कि ये आदमी है और मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे इसकी बात पसंद नहीं है, कुछ भी? नहीं, ऐसा मेरे जीवन में तो कभी हुआ नहीं जी। पहले बात तो मुझे कोई टोक भी नहीं सकता। मैं किसी से कहता हूँ तो मेरी बात वो सुनते हैं जी, वो बाद में बोलते नहीं है। तो किसी ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं जी। सब सबको मैं कहता हूँ मेरा आशीर्वाद है, आप फूलो और आगे मेहनत करो। अगर कहीं आपको गाड़ी अटक जाए, मेरी सहायता मिले गाइडेंस की, तो मैं देने को तैयार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर। आप कईयों के फेवरेट हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन है? मुझे सब पसंद है, मुझे सारे सब कलाकार। कोई ऐसा जिनका काम देखो आपके? अगर कोई छोटा कलाकार है तो वो धीरे धीरे होशियार होगा ना जी। जी उसको कैसे कह सकते हैं, तो मेहनत कर रहा है, आगे आएगा। सारे कलाकार अच्छे हैं, फूल है, अलग अलग खुशबू है सबकी। मुझे चाहने वाले मुझे बुलाएंगे, दूसरों को चाहने वाले उनको बुलाएंगे जी। जी अच्छा चलिए, हमारे यहाँ पे जितने भी फीमेल अदाकार हैं ना, उनकी बात करते हैं। ऐसे कौन से अदाकार है जिनका काम देखकर या जिनके गाने या कोई भी प्रोजेक्ट देख के आपके कभी चेहरे पे स्माइल आई हो, के मुस्कुराहट आई हो, ऐसी कौन सी अदाकारा है सर? ऐसे तो भाई हम पिक्चर देखते थे जी,
तो पुराने हीरोइन है, मधुबाला है, मीना कुमारी है, पुराने हीरोइन जो है जी, उनको देख के कुछ प्रेरणा मिलती थी, कुछ लिखने का भी माहौल बनता था और लिखा भी है। क्या बात है सर, आप सुनाइएगा। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। एक पैरोडी है जी। अंताक्षरी में पार्टी दो फिल्मी गीत की पैरोडी बनाने जी उल्टा, तो हमारे पार्टी में सह की सह पर गाड़ी है, तो मुझे कहा सह पर गाड़ी नहीं लिखना, मैं लिख दूंगा। लिखा फटाफट, आप गाओ जी। मैंने सुनाया कि 100 साल पहले मुझे न तो प्यार था, सदा इनकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, जब तुम यूं हंसती हो बत्ती सी गिर जाती है। नेपाली सा चेहरा तेरा कब स्वीकार था, सदा इनकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो तुम जितनी मोटी हो अकल की उतनी खोटी हो, मैं जानता हूँ दिल भर किसी के जिगर की बोटी हो। टुन टुन सा तेरा बदन कब स्वीकार था, सदा इनकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंतिम, तेरी तो चाल निराली है, तेरी तो बात निराली है, तेरे टेढ़े मेढ़े नैन सुरत मकड़ी की जाली है। पतझड़ जवानी का मैं न तलब गार था, सदा इनकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है, मैं लिख लेता हूँ उसी वक्त, गीत लिख लेता हूँ। जी जी, बहुत खूबसूरत। अब कहीं मानो बाला जी के जागरण है, उसी वक्त लिखता हूँ, ग्रीन बैठे बैठे गीत लिख लेता हूँ, गा लेता हूँ जी। ये आपने एक मजाक के तौर पे मधुबाला जी से इंस्पायर होके गाना लिखा, बहुत खूबसूरत सर। हम ये पूछना चाहेंगे कि अब तक आपने कहाँ कहाँ किन किन के साथ काम किया है? बिल्कुल, आपने जाहिर सी बात है बहुत सारा काम किया होगा, हम देख रहे हैं आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर कहाँ कहाँ आपके मुँह से सुनना चाहेंगे हम किन किन के साथ काम किया, और सबसे पसंदीदा काम आपका कौन सा रहा है? पसंदीदा तो मेरे स्वयं के कार्यक्रम होते थे जी, वैसे कार्यक्रम होता नहीं है जी। ठीक है, फॉर्मेलिटी है, जाते हैं साथ में करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, हमें जैसा काम दिया जाता है वैसा हम काम करा देते हैं जी। सभी अच्छे हैं, अभी जो माहौल में चल रहा है, यह माहौल चल रहा है तो अच्छा, सबके साथ हम साथ ही हैं जी, इनके अनुसार हम भी कार्यक्रम उसी ढंग से देते हैं। लेकिन लौट के आएगा वापिस जमाना जी जी, तो लोक संस्कृति, मैं तो हमेशा सदा अपने कार्यक्रम में राजस्थानी गीतों के अलावा फिल्मी गीत वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मुन्नी बदनाम और करम पटेल तुम्हारे हो गए तो मुझे क्या लेने दिया मुन्नी जी। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मी गीत अलग नहीं करता हूँ जी, राजस्थानी गीत, राजस्थानी भाषा का प्रचार ये किया मैंने, और हमेशा राजस्थानी ही कार्यक्रम देता हूँ। और शो पर लड़कियाँ पूरे कपड़े पहने हुए, ये और कैसे की लड़कियाँ ऊंचे कपड़े पहने, उनको पसंद नहीं है जी। आपको कहीं ये नहीं लगता कि आज के जो हमारे युवा हैं शायद उनकी पसंद में कुछ बदलाव आ गया है, शायद लोक गायकी का पीछे होना कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है? ऐसा एक सवाल है एक मन में, आपका क्या नजरिया है उसके लिए? है ऐसा है, वो करना चाहते हैं लेकिन उस फील्ड में वो काम करना नहीं चाहते, उनको सरल माध्यम दिखता है ये भजनों का कार्यक्रम जी, वहाँ चलो जी, वहाँ चलो, उनके रुझान थोड़ा सा ज्यादा है जी, लोग तो गायक कम हो रहे हैं, लोग भजनों में वो जो है रम जाते हैं जी जी। लोक संस्कृति, लोक गीत गाना बहुत टेढ़ी खीर है जी जी। पहला बात तो टोन नहीं आता है वो जी, कहाँ ल बोलना है कहाँ ल बोलना है जी जी। अब जैसे अपन बोलने के मारवाड़ी में गोड़ो, हाँ हिंदी में क्या बोले गोलो, हाँ बोले का दूसरा हो गया, हाँ काड़ो कालो, काला मरते हो गया बिगड़ लो जी। तो ये ल का उच्चारण किसी को सही नहीं तो एकदम दिमाग में कैसे आते ये कैसे जी, तो शब्दों का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है जी। पर लोक संस्कृति तो बहुत टॉप है सर, राजस्थानी लोक संस्कृति तो सुपर है ये देख लो, और सभी इसी की प्रेरणा से चलते हैं। इंडस्ट्री में क्या है, सब फोक धोने चलते हैं जी। बिल्कुल सर, आपका अपना खुद का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है?
मेरे तो देखो एक वो मैंने एक गीत लिखा था राजस्थानी लता जी के लिए, कभी मौका पड़ेगा तो लता जी से गीत गाऊंगा, एक सोन चिड़ी सुगन चिड़ी है जी, उसमें जीवन के प्रतीक दिए हैं। मैं एक अंतर सुनाता हूँ। सुगन बताए सुगन चिड़ी, सुगन बताए सुगन चिड़ी, कदवासी मर जीव जड़ी, सुगन बताए सुगन चिड़ी। ऐसा एक गीत था। और दूसरा जो है जीरो, जीरो गीत मेरा इतना फेमस हुआ जितना ये काउंट अबरे हुआ ना, ऐसे जीरो लोग जीरो जानते थे, कौटम जी कौन जीरो गाने वाले जी। जीरो आपने सुना का? हमने आपका ये ज्यादा सुना है। हाँ जीरो, अरे नबीरे पट्टी में जीरो बायो, दोए दोए पनिया आई मारा साजन, मत भय परिणिया जीरो। जी जी बिल्कुल। ओ जीरो जीव रो बेरी रे, मत भय मारा परिणिया जीरो। जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत खूबसूरत गाना है। सर आप बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, उस टाइम से जब फोन भी नहीं हुआ करते थे, और आज के दौर में भी आप काम कर रहे हैं, सर पहले संघर्ष ज़्यादा था या आज आपका संघर्ष ज़्यादा है? क्योंकि बहुत सारे अभी बहुत सारे लोकगीत गाने वाले हैं, लोग गायक बहुत सारे नहीं था जी, कलाकारी कम थे जी। हाँ वही सवाल था। थे जी। मेरे रेडियो में दिन में 3 बार गाने आते थे जी, कलाकार कम थे जी। अब तो पत्थर फेंको तो कलाकार के लगे जी, इतने कलाकार हो गए। संघर्ष अब है, पहले नहीं था जी। पहले इतना शांति से और बढ़िया कार्यक्रम चलते थे हमारे राजस्थानी कार्यक्रम। अब क्या माहौल चेंज हो गया, अब उसमें वोटबाजी लगी हुई है जी, एक दूसरे के टांग खींचे हो रही है, वो कर रहे थे। इसके आने के बाद तो माहौल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे इतने सारे लोक गायकों के बीच में आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन लोगों ने हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में भी कोशिश कर ली है, वो अपना जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी मायर भाषा को हमेशा पकड़ के रखा और आप वो संघर्ष किए जा रहे हैं, तो आपके नज़रिए में आपको लगता है कि आप ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं या वो ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं? देखो लोकगीतों में तो संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ तो गॉड गिफ्ट होती है जी। आवाज में जी। कैसा गीत, अगर आवाज अच्छी है गीत ऊपर आ जाएगा। बाकी संघर्ष में जीवन लोक संस्कृति में नहीं है, सब अपने में क्षेत्र में अव्वल है जी। जैसे ये मांड गायकी है तो मांड में गाने वाले सब अपने हिसाब से, मुझे कोई मांड गाँव में नहीं गा सकता जी। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, कोई संघर्ष नहीं है जी। और आज के दौर में जो ये नए सिंगर आ रहे हैं ना, इनमें खींचतानी चलती है जी। आप अपनी जगह पे खुश हैं, मतलब आपके कहने का मतलब खुश, और आप जो अपनी भाषा को लेकर जो काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं उसमें खुश हैं आप जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें, कुछ भी आप अपनी इच्छा से जो भी कहना चाहें। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक मुझे झेल रहे हो, मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं, आगे प्रगति करो, आगे अपना नाम करो, कोई भी समस्या हो हमारे लिए कोई काम हो तो अवश्य करना, निसंकोच आना, हम आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और आप स्टूडियो में पधारे, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं सर जी। ये थे हमारे साथ में कालू राम जी प्रजापति जी, और इसी तरह हम राजस्थान की ढेर सारी शख्सियत को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और उनके निजी जीवन और संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जीवन दर्पण, टीना राठौर के साथ नमस्कार। राम राम साहब।